बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहाज उस्ताद गुलाम अहमद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट मलेशिया फुटबॉल ग्राउंड पे खेला जा रहा है। तो ये टूर्नामेंट काफ़ी से बात किया जा रहा है। उस्ताद गुलाम अहमद का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उस्ताद गुलाम अहमद फुटबॉल के लिए कहीं भी जाते हैं लेकिन पैदल चले आते हैं। इस जंगल में वो पैदल चले आके फुटबॉल की फ्राई करते थे और अपने टीम के लिए बाकी बाद कुर्बानियाँ दी हैं उसने। हर जगह टूर के लाए थे, टूर चलाए मलेशियाइन के लिए, काफ़ी चलाए उनको मलेशियाइन पर। उस्ताद गुलाम अहमद एक ऐसे नाम है जिनको फुटबॉल की दुनिया में भूला नहीं जाता। उस्ताद गुलाम अहमद आज हमारे दिलों में ज़िंदा है। फुटबॉल के लिए उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। इस ग्राउंड के लिए उसने सारी कुर्बानियाँ दी है मलेशियाइन के। ये ग्राउंड जब किया जब काजी टाउन वजूद में नहीं था तो यहाँ पर हम खेलते थे। उस्ताद गुलाम अहमद आके यहाँ पे फुटबॉल मैच हमारे प्रैक्टिस किया करते थे, हमें कोचिंग किया करते थे। इस ग्राउंड के जो है बाकी काजी टाउन के वजूद बाद में आए, तब पीर महफूज गोट के लोग और मलेशियाइन फुटबॉल क्लब यहाँ पे खेला करते थे। उसके बाद काजी टाउन वजूद में आया, उन्होंने काफ़ी इस ग्राउंड के लिए मुश्किल पैदा की, ग्राउंड को हासिल करने के लिए प्लाटिंग की ग्राउंड में ताकि ये ग्राउंड चला जाए। लेकिन मलेशियाइन के तवस्त से और पीर महफूज गोट की तवस्त से हमने इस ग्राउंड को जाने नहीं दिया। उसके बाद वेलफेयर वालों की काफ़ी कोशिश रही, बिल्डर्स की काफ़ी कोशिश रही ग्राउंड के हवाले से। उसके बाद उस्ताद गुलाम अहमद हमारे साथ थे और मलेशियाइन के खिलाड़ी सीनियर जितने भी थे हमारे साथ थे। हमने कोशिश की, हमने फुटबॉल को फ़र्रोग दिया और उस्ताद गुलाम अहमद ने फुटबॉल के दामन को नहीं छोड़ा, अच्छे अच्छे प्लेयरों को दावत दी। इसी तरीके से आज भी इस ग्राउंड में हम खेल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी हम खेलते रहेंगे। ये ग्राउंड मलेशियाइन का है, मलेशियाइन फुटबॉल का लोग खेल सकते हैं। थैंक मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मलेर न्यूज़ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल।